सो व्लॉग अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम में हो जाएगा एंड देन इट बी अप ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लोग बार बार पूछ रहे थे कि व्लॉग इतना लेट क्यों आ रहा है गौरव भाई, ट्विटर पे भी स्पैम करते रहते कि व्लॉग अब तक आया नहीं है, 12 बज गए, 1 बज गए। आई एम रियली सॉरी कि व्लॉग इतनी जल्दी नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट की इशू आ जाता है, कभी कभी मैं एयरेशिया पे वीडियो बना रहता हूँ और कभी कभी मैं टट्टी कर रहा रहता हूँ, तो उसमें मेरा टाइम निकल जाता है। बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो गाइज अभी सुबह के 4 बज रहे हैं एंड रशी जस्ट गॉट अप, वो सुसू करने गई है अभी। रशी वापस, रशी बेटा यहाँ आ जाओ, बेटा आ जाओ, जल्दी जल्दी कैमरा चालू है, जल्दी आ जाओ आ जाओ, ब्लॉग ब्लॉग करो, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रशी रशी आई मैं चिकलू सुसू करने गया था, फैन का फैन ए मूवा मूवा, हाउ डज द पिग डू। अरे रशी रशी बेटा, रशी बेटा क्या ब्लॉगिंग चल रहा है रशी। Talk without talking, your silence gets loud. हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज है 4 सितंबर का दिन और रशी पीछे सोई हुई है। सुबह के 10 बज रहे हैं, वो अभी तक उठी नहीं है। कल एक्चुअली रशी रात को उठी थी सुसू करने के लिए और फिर उसके बाद में वो सो ही नहीं पाई। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू रितु दैट शी इज़ ऑलवेज विद हर, कोई भी टाइम है, दिन हो रात हो, चाहे वो बीमार हो कुछ भी हो, शी इज़ ऑलवेज विद हर। आई एम रियली थैंकफुल टू रितु। जब वो उसका ध्यान रखी तब मैं घोड़े बेच के सो रहा था। बट सीरियसली गाइस रितु हैज़ बीन अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। और जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान जी जब थक जाते हैं तब उन्होंने माएँ बनाई थी, एंड जो माँ होती है वो सबका ध्यान रखती है, एक माँ, एक औरत, एक बेटी। एंड सीरियसली कोई भी बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता और कैरी का फ़ैन माँ के गाली के बिना नहीं रह सकता। सो लेट्स सी आज का व्लॉग कैसा होता है। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ किचन में टू मेक सम टी एंड सुबह से मैंने चाय नहीं पी है क्योंकि मैं उठा था थोड़ा लेट। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ किचन में एंड आई एम मेकिंग टी फॉर मी, रितु एंड भाभी। और इस घर की जो सबसे अच्छी चाय बनती है वो मेरे हाथ की बनती है। और एक टाइम ऐसा होता है जो मैं पूरे घर की चाय बनाता हूँ और मेरे हाथ की जो चाय है वो पी के आप सब पागल हो जाएंगे। इसमें मैं बहुत सारे मसाले जो होते हैं वो डालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी ये जो मसाले हैं ये सारे चाय में जाएंगे एंड दिस इज़ आवर चाय पत्ती। बाकी कोई भी कैसी भी चाय बना ले, मुझसे अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। कमेंट में चाय ओपी हो जाए, चाय ओपी हो जाए। मोटे कल मैं बैठा था रशी के साथ रात को, मुझे नींद आ रही थी, रशी कहती मम्मा मम्मा सो जाओ, मम्मा स्लीप। मैं सोचता हूँ मोटे कि वो 2 साल की बच्ची इतनी केयरिंग है और आप देखो हाय राम। मोटे मैं केयरिंग नहीं हूँ, मैं केयरिंग नहीं हूँ। अच्छा तू कह रहा है मतलब मैं बिल्कुल भी केयरिंग नहीं हूँ। मोटे तेरे ऊपर ऐसे सजा होनी चाहिए, मोटे तुझे जेल में भेजना चाहिए। 1 सेकंड नहीं रुक, अभी तू रुक। देख कैसा हंस रहा है मोटे, कैसा हंस रहा है, दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है। जब कमाती तू भी है। जनता को पूछे, जनता मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं केयरिंग हूँ कि नहीं हूँ। देखो मोटे कैसा हंस रहा है। तो कल के व्लॉग में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, लोग बोल रहे थे कि आपने सेम टी शर्ट पिछले 4 व्लॉग से पहनी हुई है। टू बी ऑनेस्ट मैंने तो यार नोटिस किया ही नहीं। मैं ना कि यही सेम टी शर्ट पहन लेता हूँ बिकॉज रीज़न नंबर 1 मैं कहीं बाहर जाता हूँ नहीं, ये लॉकडाउन का टाइम है और आप भी बाहर मत निकलिए। एंड दूसरी बात ये कि ये टी शर्ट मुझे बहुत पसंद है, रितु गिफ्टेड मी दिस, सो आई जस्ट कीप वेयरिंग दिस टी शर्ट। कहीं बाहर जाएंगे तो नए कपड़े ज़रूर पहनेंगे। आई मेरा रशी, मेरा चिकलू उठ गया, उठ गया मेरा रशी। सुबह उठा नहीं, नहाया नहीं, धोया नहीं, पहले बोलता है कि दिम्मे ला दो। नो दिम्मे दिम्मे दिम्मे, नो दिम्मे, लास्ट दिन में, लास्ट दिन में। आई नो यू दिस इज नॉट योर लास्ट दिन में। फिर आप बोलोगे वापस दिन में ला दो, नो दिन में, दिन में, दिन में, दिन में कैंसल। प्लीज पापा लास्ट दिन में कैसे बोलते वापस बोलो, प्लीज पापा दिन में ला लो, ला लो, पूरा सुर निकलता। वापस बोलो, वापस बोलो, प्लीज पापा दिन में ला लो दिन में ला लो, दिन में ला लो, प्लीज पापा। ओके दी में ला लेते, ओके। कुछ पोस्ट ऑफिस भी जाना है और कुछ घर का हाउस होल्ड सामान है जो मुझे लेने जाना है। सो आई एम क्विकली गोना गो एंड बाय सम स्टफ। तो बेसिकली पोस्ट ऑफिस इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर जाके एक साइन करना है जो बहुत ज़रूरी है। एंड आई हैव टू कलेक्ट सम अदर हाउस होल्ड आइटम्स टू। ओ भाई ऐसा लग रहा है कि कोरोना ख़त्म हुआ है, सब कुछ अब नॉर्मल लग रहा है, बंद दुकानें खुल गई है, लॉकडाउन हट चुका है। बट प्लीज़ वेयर योर मास्क टिल दिस completely eliminates. देखो मैं दो चीज़ें बिल्कुल नहीं पता. नंबर 1 when will corona be over and everything will be normal. और नंबर 2 कि AirAsia मुझे रिप्लाई कब देगा. कोरोना ने तो हमारे नाक में दम कर रखा और मैंने AirAsia के नाक में दम. I'll show you how I got the idea of sending Bernol to AirAsia and what was the inspiration behind it. मैंने भी पलास में कि मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था वो डब्बा भर के बर्नॉल भेजने का. सो इंस्पिरेशन था ये बेईमानी एक बीमारी है, जिसको लगी उसकी लगी. तेरे को आइडिया नहीं कि तू कितना बीमार है. अपन तेरी बीमारी मिटाएगा. जब तक तू गेट वेल सून नहीं होता अपन तेरे साथ ही रहेगा. एंड लगे रहो मुन्ना भाई से इंस्पायर होके मैंने एक डब्बा बनाया और AirAsia को भेज दिया, बर्नॉल भेज दिया उनको, ताकि उनकी जितनी भी जल रही है वो जल्दी कम हो जाएगी. एंड आप भी भेज सकते हैं. मैंने एड्रेस लगा दिया है, देखिए मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है लगा लो बर्नॉल भाई. एड्रेस इसके पीछे है, आप भी उन्हें भेज. रितु जा रशबरी लेके आ जा फटाफट. हाँ रशबरी, रितु रशबरी मेरी बेटी मांगे. रशबरी शेक नहीं. वेर इज रशी? आई कांट फाइंड रशी. रशी वेर आर यू? रशी रशी move ba move ba. How does the pig do? Hey Rashika hai Rashi. Hey my chiklu. So hey guys, it's now time for some workout and so the workout session has been done and you can see I'm so tired. मुझे इतना सारा पसीना आ रहा है. And now it's time to have some protein shake. This is my protein shake with me. और रशी यहाँ आ गई है नहीं. फटाफट अपना प्रोटीन शेक पी लेता हूँ क्योंकि अगर वो अगर आ गई तो मैडम पूरा मेरा प्रोटीन शेक पी जाएगी. तो हर क्विकली. हाय राम, मोटे 15 मिनट हो गए. क्या हो गया? 15 मिनट हो गए, अभी तक AirAsia की बात नहीं की. अरे तुझे कुछ नहीं पता है, तुझे कुछ नहीं पता है. मॉर्निंग पर्सन है ना तू सुबह क्या बोलते हैं बहुत जल्दी उठ जाती है, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है. लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ कि इस दुनिया में ना सिर्फ 2 ही पापा चलते हैं, एक रिंकिया के पापा और दूसरे रशबरी के पापा. नहीं मैं बता. रशी आ गई. रशी रशी इधर. रशी 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 इधर. रशी बेटा whom do you love more, मम्मा या पापा? रशी बेटा whom do you love more, मम्मा या पापा? मम्मा. यू लव मम्मा मोर? ओके नाउ नो. नहीं Papa Katti. Papa won't give you Tibet. You want Tibet? You want to do 9-9 with Papa? Acha, whom do you love more, Mama, Papa? Papa. Hey, Chiklu. Hey, oye, tu chup rahe. Oye, koi manipulate nahi kar raha. Tu ja, oye, tu apna TV dekh. Hey, mera Chiklu. Fan ka fan, fan. Hey, mera Chiklu. Pari ko to pari, pari. मैं PUBG खेलने से पहले थोड़ा सा ब्लॉग एडिट करूँगा. ब्लॉग एडिट करने के बाद में जैसे ही अपलोड करूँगा तो सारे अपडेट्स डाल दूँगा. क्योंकि कल रात को जो ब्लॉग आने वाला था वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. तो ट्विटर पे लोग मैसेजेस करने लगे थे, स्पैम करने लगे थे कि गौरव भाई ब्लॉग कहाँ है, ब्लॉग कहाँ है. लेकिन अब ब्लॉग आज जल्दी आ जाएगा. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द रिएक्शन एंड द ब्लॉग इज. हाँ व्हाट हैपेंड रशू? क्या हो गया? दोदी बिठा लो. क्या हुआ? कैसे बोल रहे थे पापा को? प्लीज पापा दोदी ला लो. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग. कल फिर मिलेंगे यही टाइम पे. अगर व्लॉग थोड़ा लेट हो जाए तो प्लीज़ ट्विटर पे स्पैम मत कीजिए कि गौरव भाई व्लॉग कहाँ पर है, गौरव भाई व्लॉग क्या माऊ ले गया. एंड बस और कुछ नहीं. कल मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखें. Like you mean it. तू जा रशबरी लेके आ जा फटाफट. हाँ रशबरी, तू रशबरी मेरी बेटी मांगे. रशबरी शेक नहीं. नवीद.